मशीन दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ पुअर लेडी हु वर्कड हार्ड टू अर्न हर लाइवलीहुड बट शी फेस्ड सो मैनी डिफिकल्टीज इन हर लाइफ एंड एट द एंड शी लॉस्ट हर ऑल शी हैड इस चैप्टर में हम एक पुअर लेडी के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो कैसे अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करती है ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सके पर उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करी है और उन सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते करते आखिरी में वो कैसे अपना सब कुछ गवा देती है ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं सो लेट स्टार्ट विद द चैप्टर सुनीता वॉज पास्ट हर यूथ हर पॉवर्टी हैड एडिड टू The number of years in her age. She looked older than she was. Like every day, it was the time for her to leave her small, dingy, dirty house for work. She tugged her sari in her petticoat, almost overlooked her crippled husband lying in one corner of the room, and made her way out of the house. इस चैप्टर में जो हम पुअर लेडी के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सुनीता सुनीता हैज़ पास्ड हर यूथ का मतलब है कि उसने अपनी यूथ वाली एज क्रॉस कर ली है और वो काफ़ी टाइम से पुअर है और पुअर होने के कारण उसकी जो ऐज नहीं है वो उस एज की दिखती है मतलब वो और ज़्यादा ओल्डर दिखती है हमेशा की तरह जब उसका टाइम हुआ तब तो वो अपना स्मॉल डिंगी डर्टी हाउस छोड़कर काम के लिए निकल जाती है स्मॉल डिंगी डर्टी हाउस का मतलब एक छोटा सा घर जहाँ पर अंधेरा रहता है डिंगी मतलब एरिया जहाँ पर अंधेरा ज़्यादा रहता है उसने अपनी साड़ी प्रॉपरली इन करी उसके बाद वो अपने हस्बैंड की तरफ देखता क्रिपल्ड मतलब जो डिसेबल है उसके या तो फीट्स नहीं है और लेग्स नहीं है जो डिसेबल है उस हस्बैंड की तरफ वो देखती है जो एक बेड पर कॉर्नर पे लाई करता है और वो ये देखते हुए घर से बाहर निकल जाती है इट वॉज़ ट्वेंटी ईयर्स अगो दैट हर हस्बैंड वॉज अ हेल्दी मैन एंड वर्कड इन अ क्लॉथ मिल He was able to meet all essential needs of his family. He led a peaceful, contented life with his family, which consisted of his young wife, a four-year-old son, and a two-year-old daughter. Now, we are going to see how that husband was. 20 years ago. जो सुनीता के हस्बैंड थे वो एक हेल्दी मैन थे और वो एक क्लोथ मिल में काम करते थे मतलब जहाँ पर कपड़े बनते हैं वो वहाँ पर काम करते थे और वो अपनी फैमिली की सारी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करते थे और एक संतुष्ट जिंदगी जीते थे कंटेंटेड मतलब संतुष्ट जिंदगी उनकी फ़ैमिली में उनकी यंग वाइफ एक चार साल का बेटा और दो साल की बेटी थे बट वन फीटफुल डे ऑल दिस हैप्पीनेस वेनिस्ड इन टू द थिन एयर ही मेट विथ एन एक्सीडेंट एट द मील एंड लॉस्ट हिज राइट लेग ही वॉज स्टक सो हार्ड ऑन द शोल्डर दैट हिज लेफ्ट हैंड हैड बिकम मोबाइल परमानेंटली द मैन हु हैड एम्बीशंस टू एजुकेट हिज चिल्ड्रेन एंड मेक दैम बिग पीपल वॉज नाउ टू हेल्पलेस टू फीड दैम इवन एक दिन ऐसा होता है कि उनकी सारी खुशियों पर पानी फिर जाता है जो सुनीता का हसबेंड रहता है वो अपना राइट लेग एक एक्सीडेंट में खो देता है एंड उसी एक्सीडेंट में उनका जो शोल्डर रहता है लेफ़्ट साइड का वो भी फंस जाता है और वो फंसने के कारण वो परमानेंटली इम मोबाइल हो जाता है इम मोबाइल होना मतलब मोशनलेस वो अब मूव नहीं कर सकते हैं अपना लेफ़्ट शोल्डर हमेशा से सुनीता का हस्बैंड चाहते थे कि वो अपने चिल्ड्रन को एजुकेट करें एक अच्छा बड़ा आदमी बनाए पर अब वो उनके लिए ज़रूरत की चीज़ें भी ला नहीं सकते बट सुनीता वॉज अ ब्रेव लेडी शी टुक द बुल बाय द हॉर्स शी नेवर फेल डिफीटेड वेन कंफ्रंटेड बाय डिफिकल्टीज येट शी हैड शॉर्ट कमिंग्स विच मेड हर फाइट अ लिटल मोर डिफिकल्ट बट शी वॉज नॉट द वन टू एक्सेप्ट डिफीट ईजीली सुनीता के हस्बैंड के एक्सीडेंट होने के बाद भी उसने सारी डिफिकल्टीज़ को फेस करा और बिना हार माने आगे बढ़ती गई शी वॉज नॉट लिटरेट हैंस शी कु नॉट गेट द जॉब इन प्लेस ऑफ हर हस्बैंड द मील हैड दैट हर सन वुड गेट जॉब वन ही ग्रू एटीन ईयर्स ऑफ एज सो शी पिक्ड अप डोमेस्टिक जॉब्स ऑफ द हाउजिज ऑफ द रिच व शी डिड ऑल सॉर्ट्स ऑफ हाउस होल्ड टास्क लाइक कुकिंग क्लिनिंग एंड वॉशिंग इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस सुनीता एजुकेटेड नहीं थी इसी लिए उसको अपने हजबेंड की जगह जॉब नहीं मिल सकती थी पर जिस मील में उसके हस्बैंड काम करते थे वहाँ पर प्रॉमिस किया गया कि जब उसका बेटा एटीन इयर्स का हो जाएगा तो उसे जॉब दे दी जाएगी इसीलिए सुनीता ने डिसाइड करा कि वो हाउस होल्ड वर्क करेगी वो जो रिच सोसाइटी है वहाँ जाकर लोगों के घर के काम करेगी लाइक कुकिंग क्लीनिंग एंड वॉशिंग और ये करते हुए उसे बहुत टाइम हो चुका था एट द डोर सुनीता टर्न बैक टू सी हर यंग डॉटर स्टूड इन अ कॉर्नर लुकिंग एट हर शी वाज नाउ ट्वेंटी टू शी हैड अ फेयर कलर बट पॉवर्टी हैड ए इट जब सुनीता घर से बाहर निकल रही थी तो वो वापस टर्न बैक हुई उसने घर की तरफ देखा और वहाँ उसने अपनी डॉटर को देखा जो एक कॉर्नर में खड़े होकर सुनीता को देख रही थी अब सुनीता की डॉटर की एज हो गई थी ट्वेंटी टू एंड शी वॉज फेयर एंड कलर बट शी वॉज पुअर सुनीता स्टेड एट द फोटोग्राफ ऑफ हर यंग सन हैंगिंग ऑन द फ्रंट वॉल शी टर्न एंड अटर्ड इन अ हर्स्ड वॉइस आई एम गॉन

आई एम गॉन मतलब मैं जा रही हूँ और उसने इंतज़ार भी नहीं करा कि उसकी बेटी उसे कोई जवाब देगी और वो टू स्टेप्स नीचे उतरी जो ब्रिक्स की बनी हुई थी और वो वहाँ से स्ट्रीट की तरफ आगे बढ़ गई सुनीता वॉज वॉकिंग इन द स्ट्रीट येट हर माइंड वॉज वेंडरिंग ऑल अबाउट शी वॉज लॉस्ट इन द नॉस्टलेजिया विथ टाइम Her son completed his matriculation and intermediate. He had done well in all examination. During the course of his studies, he was lending her a helping hand by working on a garment shop as a salesman. He was earning only a little money, but he was determined to utilize this for his further studies he always said that he would become an officer and not a worker in the mill he often said to her let me grow and complete my studies you will not have to work as a housemaid then you will live an easy life i shall do everything to keep you happy जैसे ही सुनीता घर से निकली तो वो जब स्ट्रीट पे वॉक करी थी वो वॉक ज़रूर करी थी बट उसका माइंड कहीं और था नॉस्टलेजिया का मतलब होता है किसी घटना के बारे में सोचना सो शी वॉज लॉस्ट इन नोस्टलेजिया वो उन्हीं यादों में चली गई जब उनका बेटा एग्जाम्स दे चुका था और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता था अपनी पढ़ाई में और साथ ही साथ वो पढ़ाई के अपनी मदर की हेल्प के लिए एक गारमेंट शॉप में एज अ सेल्समैन काम करता था उसे वहाँ से थोड़े बहुत ही मनी मिलते थे बट वो उन्हें संभाल के रखता था ताकि वो उसकी फ्यूचर की स्टडीज़ में यूज़ कर सके और वो हमेशा से अपनी मदर को कहता था कि मैं एक ऑफ़िसर बनूँगा एक वर्कर नहीं बनूँगा मील में और वो ये भी कहता था कि जब वो बड़ा हो जाएगा अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेगा उसकी मदर को ऐसे हाउस मेट की तरह काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैन ही टर्न एटीन ही जॉइंड हिज फादर्स मील एंड कंटिन्यू टू स्टडी इन द नाइट्स ही वॉज वर्किंग ऑन द सेम मशीन एज हिज़ फादर ही लवड हिज़ मदर वेरी मच ही वॉन्टेड हिज मदर टू स्टॉप डूइंग द वर्क ऑफ अ मेड सर्वेंट बट She wished to continue after all, her daughter had to be married. She was already looking for a suitable match for her. She tried to save every pesa she could and promised her son that she would leave her job after his sister was married. But her son was not in favor of marrying his sister at this time. बिकॉज ही वॉन्टेड हर टू मैरी वेन ही वुड हैव बिकम एन ऑफिसर दैट विल हेल्प गेट अ बेटर बॉय फॉर हर जब उसका बेटा एटीन ऐज का हो गया तो उसे अपनी फादर की मील में जॉब मिल गई बट उसने अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू करी वो अपनी स्टडीज़ नाइट में कंटिन्यू करता था और वो उसी मशीन पर काम करता था जिस मशीन पर उसके फादर वर्क करते थे वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो ये चाहता था कि उसकी मदर एज अ मेड सर्वेंट काम करना बंद करते पर सुनीता ने ये चीज़ बंद नहीं करी क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थी और उसने ऑलरेडी उसके लिए लड़का ढूँढना शुरू कर दिया था बट सुनीता का बेटा नहीं चाहता था कि उसकी सिस्टर की शादी हो वो चाहता था कि उसकी सिस्टर की शादी जब वो ऑफिसर बन जाए उसके बाद हो ताकि वो उसके लिए और अच्छा लड़का ढूँढ कर ला सके बट लास्ट ईयर ऑल हेल ब्रोक लूज ऑन सुनीता शी लॉस्ट हर सन टू इन एन एक्सीडेंट वेन द मशीन डेवलप्ड सम सैंग ही वॉज़ इलेक्ट्रोकार टू डेथ डेस्टिनी हैड बीन वेरी हार्श टू हाउ कैन आई लिव ऑन धिस स्ट्रैजडी थाट सुनीता पर हैप्स द थाट ऑफ हंग डॉटर कैप्ट अफ बट पिछले ही साल सुनीता ने अपने बेटे को भी एक एक्सीडेंट में खो दिया मशीन के कारण ही उसके बेटे की डेथ हो गई वहीं उसी मील में और इस एक्सीडेंट के बाद सुनीता काफ़ी टूट चुकी थी पर उसकी बेटी के कारण ही वह जिंदा थी मैकेनिकली वॉकिंग सुनीता स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस वेयर शी वॉश्ड क्लोथ्स शी जब्ड हर हेड टू गेट फ्री फ्रॉम हर थॉट्स एंड शी स्टेप्ड Into his master's house. She found her master, Prem, his wife, and younger daughter in the lobby opening up a new pack. It was a new washing machine. At this, her glowing eyes dampened as she could foresee her dark days ahead. She had been washing clothes at this house.

वो अपने हेड को हिलाती है ताकि वो जो भी सोच रही थी वो सोचना बंद करे और वो अपने मास्टर के हाउस में एंटर करती है मास्टर का नाम है प्रेम और उनकी एक वाइफ रहती है और एक डॉटर रहती है जो एक लॉबी में एक न्यू बॉक्स को ओपन कर रहे हैं और उस बॉक्स में है एक नई वॉशिंग मशीन ही सुनीता तो वो देखती है उसकी आंखें नम हो जाती है क्योंकि उसे दिख रहा है कि अब वो यहाँ पर ज़्यादा टाइम काम नहीं कर पाएगी क्योंकि वहाँ एक वॉशिंग मशीन आ चुकी है ऑलरेडी वो इतने डिफ़िकल्ट टाइम को फेस कर रही है और अब उसके हाथ से ये जॉब भी जा रही है प्रेम टर्न टूवर्ड तो सुनीता एंड सेड इन अ सीरियस वॉइस सुनीता यू हैव सर्वड अस फॉर अ प्रटी लॉन्ग टाइम डेलीजेंटली एंड Honestly. and एंड वी वैल्यू इट बट वी विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू एनी we वी डोंट नीड योर सर्विस more प्रेम सुनीता की तरफ टर्न होता है और सीरियस वॉइस में बोलता है कि सुनीता तुमने बहुत अच्छे तरीके से ऑनेस्टली हमारे लिए काम करा है पर अब हमें हम तुम्हारी और ज़रूरत नहीं है अब हम तुम्हारी इस सर्विस को और नहीं ले सकते हैं सुनीता डिजी, डार्कनेस एंड हर विजन शी ट्राइड टू कंसील हर डैम आइज शी सेड इन अ ट्रेम्बलिंग वॉइस मास्टर यू नो आई हैव अ डॉटर ऑफ मैरिजेबल एज इफ़ यू टर्न मी आउट आई विल हैव नो वेयर टू गो फॉर माई लाइवलीहुड सुनीता की आँखें धुंधला जाती है वो उससे सब कुछ डार्क दिखने लगता है पर वो अपने आप को कंट्रोल कर कर और अपने मास्टर से बोलती है कि सर आपको पता है मेरी एक बेटी है जो मैरिजेबल एज की जिसकी मुझे शादी करनी है अगर आप मुझे यहाँ से हटा देते हैं तो मैं अपनी जिंदगी के लिए अपनी लाइफ के लिए बट यू वर्क एट टू मोर हाउसेस सेट फ्रेम यस आई वर्कड बट अंटिल ओनली टू वीक्स अगो एट वन हाउस आई कुकड एंड दे हैव बॉट अ माइक्रोवेव ओवन एंड दे नो मोर नीड माई सर्विसेज एट अनादर दे हैव बॉट अ वैक्यूम क्लीनर विच क्लींस क्विकर एंड क्लीनर देन आई कैन देन प्रेम उससे बोलता है कि तुम और भी दो जगह काम करती हो पर वो कहती है कि दो वीक पहले एक हाउस में जहाँ मैं कुक करती थी वहाँ पे वो माइक्रोवेव ले आए तो उन्हें अब मेरी सर्विस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और दूसरे हाउस में वो वैक्यूम क्लीनर लिया है जिसके कारण उन्हें मेरी सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वैक्यूम क्लीनर जल्दी और मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ की सफाई कर देता है ओ स्टिल वी कॉन्ट हेल्प वी आर सॉरी यू सी दिस मशीन कॉस्ट फार लेस देन यू डू सेंग सो प्रेम टुक आउट हिज वॉलेट एंड पेड हड यूज एंड फिफ्टी रुपीज़ ओवर दैट एज अ टिप सुनीता की बात सुनने के बाद प्रेम उससे बोलता है कि स्टिल मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुमसे ज़्यादा लेस कॉस्टली ये मशीन है वो ये कहते हुए अपना वॉलेट निकालता है और जो भी सुनीता के ड्यूज़ बचे रहते हैं वो उसे ड्यूज़ देता है और फिफ्टी रुपीज़ एज अ टिप एक्स्ट्रा देता है Sunita had no way out but to walk away the parting words of Prem's wife that they would help her if she needed could not provide her any solace she had lost her job the only means to support her family and getting another job would be much difficult as she had found it impossible to replace the earlier two households। होल्ड्स सुनीता के पास कुछ और नहीं रहता है कहने को but वो वहाँ से निकलती है उसके पहले प्रेम की वाइफ उसे बोलती है कि तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम तुम्हारी हेल्प करेंगे बट उस समय सुनीता को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी उसे सिर्फ एक जॉब की ज़रूरत थी क्योंकि उसकी जॉब ही थी जो उसकी फैमिली को एज अ सपोर्ट वर्क कर रही थी प्रेम वॉज गोइंग टू सेलिब्रेट हिज फिफ्टीथ बर्थडे नेक्स्ट वीक एंड ही हैड बॉड दिस वॉशिंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन ही वर्क इन अ लार्ज प्राइवेट कंपनी एज द सेम कंपनी फॉर ओवर ट्वेंटी ईयर्स प्रेम अपना फिफ्टीथ बर्थडे नेक्स्ट वीक सेलिब्रेट करने वाला था और उसी सेलिब्रेशन का एक पार्ट था वो वॉशिंग मशीन प्रेम एक लार्ज प्राइवेट कंपनी में एज अ सीनियर क्लर्क काम कर रहा था फ्रॉम लास्ट ट्वेंटी ईयर्स वो ट्वेंटी ईयर्स से एक ही कंपनी में काम कर रहा था एवरी थिंग इन लाइफ वेंट स्मूथली हिज अर्निंग वॉज स्मॉल बट ही वॉज कंटेंट एज ही वॉज एबल टू मीट ऑल बेसिक नीड्स ऑफ हिज फैमिली प्रेम की लाइफ बहुत स्मूथली क्रॉस हो रही थी उसकी अर्निंग्स बहुत कम थी बट इतनी ज़रूर थी कि वो अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स पूरी कर देता था आफ्टर सुनीता वॉकड आउट ही टू गॉट रेडी फॉर हिज ऑफिस ही एंटर्ड हिज ऑफिस होल्डिंग अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इन हिज हैंड With a smile playing on his lips. Material accomplishments provided bliss to this mortal man. He wanted to celebrate his buying the new washing machine with his colleagues. He sat down at his desk because he wanted to offer sweets first to his manager. So he told the person to inform him. वन द मैनेजर वॉज फ्री जैसी सुनीता वहाँ से निकलती है प्रेम भी अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है और वो ऑफिस में अपने साथ एक स्वीट का बॉक्स लेके जाता है क्योंकि जो उसने नई वॉशिंग मशीन खरीदी है वो इस चीज़ की खुशी अपने सारे कलीग्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है वो ऑफिस में जाकर अपने डेस्क के वहाँ बैठ जाता है क्योंकि वो वो स्वीट सबसे पहले अपने मैनेजर को खिलाना चाहता है और वो ऑफिस में एक पर्सन को बोल देता है कि जैसे ही मैनेजर फ्री हो मुझे इन्फॉर्म करना लिटिल लेटर द प्यून केम एंड इन्फॉर्म्ड दैट द मैनेजर वांटेड टू सी हिम ही वाज अवेटिंग हिज प्रमोशन टू सो ही कुड नॉट हेल्प बट थिंक दैट दिस हैप्पी अपॉर्चुनिटी Might as well be an. But think that this happy opportunity might as well be an even happier opportunity to celebrate. With a broad smile, he knocked and entered the cabin. He wished in a bright, loud voice, Good morning, sir. Thodi hi pun aata hai or. प्रेम को बोलता है कि मैनेजर ने आपको बुलाया है प्रेम अपने प्रमोशन का भी वेट कर रहा था उसे था कि उसे अपनी जॉब में अब प्रमोशन मिलेगा तो वो और ज़्यादा खुश हो गया कि अगर प्रमोशन की बात होने वाली है तो सेलिब्रेट करने की एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई है विथ अ स्माइल ऑन अ फेस वो वहाँ जाता है नॉक करता है और कैबिन में एंटर होता है और एंटर होते से ही वो लाउड वॉइस में सर को विश करता है दैट गुड मॉर्निंग सर प्लीज बी सीटेड सेट द मैनेजर इन अ ग्रेव वॉइस हैव द स्वीट फॉर सर दैट्स फॉर लेटर सेट द मैनेजर सीरियसली मैनेजर प्रेम को ग्रेव वॉइस ग्रेव मीन्स सीरियस वॉइस में बोलता है कि तुम बैठो बट प्रेम उसे स्विच ऑफ करता है तो मैनेजर सीरियस वॉइस में बोलता है ये बाद में प्रेम सेट डाउन बिफोर द मैनेजर बट ही कुड गेस समथिंग अनप्लीजेंट इन द मैनेजर्स वॉइस हैव आई कमिटेड सम मिस्टेक दिस वॉज द फर्स्ट थाट दैट अरोज इन हिज माइंड हिज जॉय हेड डैम अट प्रेम बैठता है और उसे ये फील हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है और वो ये सोचता है कि क्या उससे कुछ मिस्टेक हो गई है और उसकी जितनी भी खुशियां रहती है वो खत्म हो जाती है आई हैव कॉल्ड यू इन टू डिस्कस something सीरियस वेरी सीरियस द manager's tone was sufficient टू perplex. प्रेम ही वॉज ऑल अटेंशन ही कैप द बॉक्स ऑफ स्वीट्स ऑन द टेबल एंड वेटेड फॉर द मैनेजर टू स्पीक मैनेजर प्रेम से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ कुछ सीरियस बात करने के लिए बुलाया है और जो मैनेजर की टोन रहती है वही प्रेम को डराने के लिए काफ़ी थी प्रीप्लेक्श मतलब कंफ्यूज करना हैरान करना ही वॉज वेरी अटेंटिव वो बहुत अटेंशन के साथ उनकी बहुत बात सुनता है और वो स्वीट के बॉक्स को टेबल पर रख देता है एंड वेट करता है कि मैनेजर आगे कुछ बोलेंगे मिस्टर प्रेम कंटिन्यू द मैनेजर यू आर वन ऑफ द एम्प्लॉयज होम दिस कंपनी चेरिश इज द मोस्ट यू हैव सर्व द कंपनी फॉर अ प्रटी लॉन्ग टाइम ऑनेस्टली एंड डेलीजेंटली एंड द कंपनी वैल्यूज़ इट बट द कंपनी वुड नॉट बी एबल टू हेल्प यू एनीमो The company doesn't need your service anymore. मैनेजर प्रेम को बोलते हैं कि आप इस कंपनी के एक बहुत अच्छे employee हैं आप बहुत लंबे समय से ऑनेस्टली हमारे लिए काम कर रहे हैं और कंपनी आपकी बहुत वैल्यू करती है पर कंपनी को अब आपके काम की और ज़रूरत नहीं है आपकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रेम फेल्ट एज इफ द कापेट वॉज बींग पुल्ड अवे फ्रॉम अंडर हिज फीट ही फेल्ट हिज हेयर सिंकिंग, ही सेड इन ट्रेम्बलिंग वॉइस, सर आई हैव अ डॉटर ऑफ मैरिजेबल एज इफ यू टर्न मी आउट आई विल हैव नो वेयर टू गो फॉर माई लाइवलीहुड प्रेम बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाता है उसे ऐसा लगता है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वो अपने सर को बोलता है कि मेरी एक बेटी है जिसकी मुझे अब शादी करवानी है जो मैरिजेबल एज की है और अगर आप मुझे यहाँ से निकाल देते हैं तो मैं मेरे परिवार के लिए अब और कुछ भी नहीं कर पाऊँगा वी कॉन्ट हेल्प The chairman has decided to computerize the company. If you remember, the company had advised all employees to learn computer. All those employees who did not pay heed to this advice are being laid off. Moreover, the computers will help to have a shorter number of employees and save on the cost too, said the manager. मैनेजर से बोलता है कि अब मैं आपकी और कोई मदद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जो चेयरमैन हैं उनने डिसाइड करा है कि कम अब कंपनी को कंप्यूटराइज करना है और आपको और सारे ही एम्प्लॉयज़ को पहले भी बोला गया था कि वो कंप्यूटर सीख लें जिन एम्प्लॉयज़ ने कंप्यूटर नहीं सीखा है उन सबको कंपनी बाहर निकाल रही है क्योंकि कंपनी अगर कंप्यूटराइज हो गई तो एम्प्लॉयज कम लगेंगे और कॉस्ट भी बचेगी सर एनी वर्ड फेल टू कम आउट ऑफ द प्रेम्स माउथ आई सर्व दिस नोटिस ऑन यू फॉर दिस पर्पज द मैनेजर हैंडेड हिम ओवर एन एनवेलप। यू आर नो मोर एन एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी फ्रॉम टुडे। बट यू विल गेट अ मंथ सैलरी एंड बोनस एट द एंड ऑफ वन मंथ प्लीज़ कम देन एंड कलेक्ट योर पेमेंट मैनेजर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें यही बात बताने के लिए बुलाया था ये तुम्हारा नोटिस रहा आज से तुम इस कंपनी में काम नहीं कर सकते हो तुम्हारी मंथली जो सैलरी बची है वो तुम्हें इस मंथ के ओवर होने के बाद दे दी जाएगी और उसके साथ कुछ बोनस भी तो तुम बाद में आकर उसे कलेक्ट कर सकते हो प्रेम अप फ्रॉम हिज चेयर ही वॉज फीलिंग गिडी द मैनेजर टू अप एंड शुक हिज हैंड प्रेम खड़ा होता है और खड़े होकर वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है मैनेजर भी खड़े होते हैं और प्रेम से हाथ मिलाते हैं प्रेम डिड नॉट no whether to offer sweets to the manager or not he could not decide whether to pick up the box of sweets from the manager's table or not he came out of the office empty-handed and headed for his house his own words uttered for sunita that same morning were ringing in his ears one machine had given him joy and another हैड स्नैच्ड इट ऑल प्रेम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि अब वो मैनेजर को स्वीट्स ऑफर करे या ना करे इवन वो ये भी डिसाइड नहीं कर पाता है कि वो उस बॉक्स को वहाँ से पिक करे या ना करे वो खाली हाथ ऑफिस से बाहर आता है और अपने घर की तरफ बढ़ता है जब वो घर जाता है तो रास्ते में उसके माइंड में वही वर्ड्स घूम रहे हैं जो उसने सुनीता को बोले थे इन द मॉर्निंग एंड उसे ये रियलाइज होता है कि एक मशीन ने तो उसे खुशियाँ दी पर दूसरी ही मशीन ने उससे उसकी सारी खुशियाँ चुरा ली स्नैच मतलब चुरा लेना टेक ओवर कर लेना फ्रॉम दिस चैप्टर वी लर्न दैट मशीन्स आर जस्ट द मटेरियल हैप्पीनेस मशीन जितनी भी होती है वो एक मटेरियल हैप्पीनेस होती है फॉर मैनी पीपल मशीन वर्क एज अ जॉय एंड फॉर सम इट वर्क एज अ सैड मोमेंट किसी के लिए खुशियाँ भी लाती है मशीन और किसी के लिए गम भी लाती है थैंक यू